मेरा पैसा फिर कौन चुकाएगा? वो लोग तो चले गए, पैसा कौन देगा? हे, मुझसे कर्जा लेकर अपने शौक पूरे किए, मर गया तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? ओ, तुम भी आ गए। पूरे गांव को भड़काने वाला मर्द आया है, इससे कहो मेरा कर्जा चुका दे। अगर ये नहीं हुआ ना तो इस बच्ची को मुझे सौंप दो। जब ये जवान होगी तब मैं इससे शादी करूंगा। सीधे बात करता हूं तो धोखा मत खा लेना। बाहर जो दिखता है और अंदर जो रहता है उनमें बहुत फर्क होता है। कितने लोगों की मौत की वजह बन गए हो तुम में इंसानियत नहीं है क्या? ये आखिरी बार है। इस गांव में अब से किसी की भी लाश दिखी तो तू वो आखिरी लाश देखेगा। लाश को रखकर क्या करेंगे? दिन बीत रहा है, अब जल्दी से कार्यक्रम पूरा करो। उसके बाद? बाद में क्या, इनका अंतिम संस्कार करने के बाद किसी और की आत्महत्या का इंतजार करना होगा। और क्या कर सकते हैं? ये मौत, इसके पीछे ये दर्द, इनकी कीमत मिलनी चाहिए। क्यों? मिलनी चाहिए ना? अभी तक कितने किसान मरे हैं तुम्हें पता है क्या? मंडी अभी में 92, बेलगांव में 74, हाबेरी में 93, मैसूर में 62, हासना में 67, रायचूर में 96, विजयपुरा में 84, कोलारा में 90, वल्लारी में 153, चित्रदुर्ग में 69, सब मिला के हुए 978। बाकी के जिले में एक एक पकड़ो तो 1000 के ऊपर रहेंगे। उससे क्या होगा? सरकार ने 323 केसेस को तो मान लिया और 228 केसेस रिजेक्ट कर दी गई। 327 केसेस स्टडी के लिए रोक रखी हैं। बस इतना ही मुआवजा मिलेगा? देखना, कुछ नहीं होगा। अब से होगा। किसान जो खेती करता है वो सिटी तक पहुंचता है तो उसकी मौत की कीमत भी सिटी तक पहुंचनी चाहिए। क्या ये हो सकता है? गांव में पैदा होकर गांव में मरेगा तो ऐसे में कैसे मिलेगी किसान की मौत की कीमत? लेकिन मिलनी चाहिए। गाड़ी रुको, सुबह सुबह ये लोग क्या कर रहे हैं?
ए, इधर आओ। ये लाश किसकी है? किसान की। तो गांव में लेके जाओ ना, यहाँ पर क्यों लाए? समाधि बनाने के लिए। यहाँ पर समाधि? पागल हो गए हो क्या तुम? यहाँ समाधि क्यों नहीं बना सकते? अभी बनवाता हूँ मैं तेरी समाधि। क्या कहा? फ्रीडम पार्क में समाधि बना रहे हैं? कौन से गांव से आए हैं? कितने लोग हैं? रामपुर से। किसान की समाधि बांधने यहाँ क्यों आए हैं? क्यों नहीं बना सकते उसकी 3 वजह बताओ, और क्यों बनानी चाहिए उसकी मैं 100 वजह बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल किसानों की समाधि क्यों? ताजमहल क्यों? प्यार के लिए। गांधी समाधि? फ्रीडम फाइटर है इसलिए। कैंपा गौड़ा की मूर्ति क्यों बनाई है? बेंगलुरु बसाने के लिए। टीपू समाधि? मैसूर का शेर है इसलिए। तो फिर किसान की क्यों नहीं? इन लोगों ने क्या किया आखिर? आप खाते क्या है? अन्न खाते हैं तो किसान वही देता है। ब्रिटिश आने के बाद लड़ाई हुई, आशा आने के बाद प्यार भी हुआ, और जब दिमाग चला तो देश बढ़ा। हमारे देश में किसान पहले से था, पहले से है और हमेशा ही रहेगा, इसलिए उसकी समाधि बननी ही चाहिए। नलगुंडा और नलगुंडा में तो है ना सर? बेंगलोर में विधानसभा है, तो फिर हर जिले में मिनी विधान की क्या जरूरत है? नलगुंडा नवलगुंडा वालों को हैट्स ऑफ है। आर यू डूइंग ऑल दिस फॉर पब्लिसिटी? डू यू थिंक सो? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। पैदा हुआ तब से मांग ही रहा है, कभी कुछ देना भी सीखो। The religious of Rampura have actually bought the bodies of a couple who have committed suicide and they want to bury the body here. In order for... Hey darling, TV देखा? There is some farmer strike going on in Freedom Park. तो आज मैं नहीं मिल पाऊंगा। अरे नाश्ता रेडी हुआ क्या? हाँ ला रही हूँ ना। एक तो फ्रीडम पार्क में स्ट्राइक चल रही है, आज उधर बस भी नहीं जाएगी, ऑफिस पैदल ही जाना होगा। आ रहा हूँ। इन किसानों को और दूसरा कोई काम नहीं है, फ्रीडम पार्क में धरना देकर बैठे हैं। यहाँ ट्रैफिक जाम हो गया है, मैं जानता हूँ आपका केस 12:30 बजे है। अरे भाई मालवीय नगर चलोगे क्या? नहीं भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा, फ्रीडम पार्क में बहुत लफड़ा चल रहा है। किसानों के पास कोई दूसरा काम नहीं है, फ्रीडम पार्क के पास स्ट्राइक करके बैठे हैं। आप फाइल लेके ऑफिस में आ जाओ। वहाँ फ्रीडम पार्क में क्या लफड़ा चल रहा है? सर वहाँ जो भी हो रहा है उसकी इंक्वायरी करके मैं आपको फोन करता हूँ। ये फ्रीडम पार्क में क्या हो रहा है? पता नहीं सर, वो कुछ समाधि वगैरह की बात कर रहा है सर। देखो बाद में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी तो मुश्किल होगी। अपनी बात रखने के लिए आपने इतनी बड़ी स्ट्राइक की है, लेकिन अभी तक आपसे कोई मिलने नहीं आया? मैंने अब तक किसी को बुलाया नहीं, इनफैक्ट हमारी कोई डिमांड भी नहीं है। Why are you here? What's the purpose of being here? मेरे सभी किसान भाइयों को मेरा एक निवेदन है। यहाँ जो मरे हैं इनसे आपका कोई रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये एक इंसान है, स्पेशली किसान। आपके दिल में इनके लिए जरा सी भी दया है तो आप ही की तरह इन गरीब किसानों के लिए आप एक काम कर सकते हैं, इंसानियत के नाते हाथ जोड़ता हूँ, एक मुट्ठी मिट्टी ला कर दीजिए इनकी समाधि के लिए। इतना वक्त हो गया है लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है, क्या किसान मिट्टी लेकर आएंगे? इनकी रिक्वेस्ट पर क्या किसान मिट्टी लेकर आएंगे? Hey, what's happening? टीवी में बैठकर जनता को कहेगा मिट्टी लेकर आओ, मिट्टी लेकर आओ, तो क्या जनता मिट्टी लेकर आ जाएगी? जानते हैं मिट्टी ही उसके मुंह में गिरेगी। कैसे कैसे लोग लड़ चुके हैं, अब इस लड़के से क्या हो पाएगा? कलसा बंडूरी में कावेरी के लड़ाई में तो सरकार ने कुछ नहीं किया, ये लाश लेकर आए हैं तो सरकार कुछ करेगी क्या? कुछ भी बोलो आज रात तो जागरण ही है। Thank you.